नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के अपने बचे हुए क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का। ठीक है, तो हम 14 क्वेश्चन तक अपना वीडियो बना चुके हैं और वीडियो कई पार्ट में है, तो इसीलिए आप डाउनलोड करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज इक्वल टू गिवन है, गिवन है, दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 201 213 1 -1 0। ठीक है, ये ए की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मतलब निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की कितनी होती है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i ये निकालना है। एक क्वेश्चन को एक बार हम फिर से मैच कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 201 213 1 -1 0। ठीक, तो हम चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें ए की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू को सबसे पहले हम निकालेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू ए होता है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 201 213 1 -1 0। ठीक है, 201 213 1 -1 0। अगेन लिखेंगे दोबारा ए की वैल्यू 201 213 1 -1 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है देख लीजिए, आप लोग को पता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसमें हम रो में चलेंगे और इसमें कॉलम में। ठीक है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 आएगा, फिर 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका इससे होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से 2 में होगा तो 0 × 2 और प्लस 1 का 1 से होगा तो 1 × 1। ठीक है, फिर सेकेंड रो आते हैं, फर्स्ट कॉलम ही लेंगे, अभी 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2। ठीक है, फिर आगे 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 × 2 और फिर आगे आखिरी वाला क्या है, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1। फिर आखिरी वाला रो लेंगे और ये फर्स्ट कॉलम ही रहेगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2, फिर प्लस -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 2 -1 × 2 और प्लस 0 × 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो का आपका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस रो से अब इस वाले कॉलम में, तो 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 प्लस 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 और 1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1। ठीक है, 1 × -1, फिर इससे करेंगे 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 और 3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -1। फिर क्या काम करेंगे, थर्ड इससे करेंगे, 0 से 1 से 0 में करेंगे तो 1 × 0 आएगा। ठीक है, 2 से 0 में और 1 से 1 में और 3 से -1। ठीक है, 1 से 0 मल्टीप्लाई किया, फिर -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -1 × 1, -1 से हमने 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 × -1। अब लास्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, इस रो से लास्ट वाले कॉलम में। ठीक है, तो इस रो से लास्ट वाले कॉलम में करेंगे तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, फिर 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 × 3, 0 × 3 हो गया, फिर 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 × 0, 1 × 0। फिर इससे लास्ट वाले कॉलम में 2 से 1 में मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 प्लस 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3, 1 × 3, फिर 3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 × 0। फिर आखिरी वाले रो से आखिरी वाले कॉलम में 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 प्लस -1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 3, -1 × 3, फिर 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 × 3। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 2 2 2 कितना होता है 4, 2 2 4 प्लस 0, 4 प्लस 0
प्लस वन से वन में मल्टीप्लाई किया तो वन आया, टू टू जा फोर प्लस टू वन जा टू, टू वन जा टू प्लस थ्री वन जा थ्री, वन से टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू प्लस 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 माइनस माइनस होता तो हम माइनस बन जाएगा माइनस, वन से टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू आएगा, वन से टू में तो टू आएगा, फिर जीरो से वन में तो प्लस जीरो, फिर इसको सॉल्व करते हैं टू से जीरो में तो कितना आएगा जीरो, जीरो से वन में तो कितना आएगा जीरो, और वन से माइनस वन में तो माइनस वन, टू से जीरो में तो कितना आएगा जीरो, वन से वन में तो प्लस वन, और थ्री से माइनस वन में देन माइनस थ्री, फिर वन से जीरो में तो कितना आएगा जीरो, माइनस वन से वन में तो माइनस वन, और जीरो से माइनस वन में तो प्लस जीरो, जीरो। फिर आखिरी वाला मल्टीप्लाई करते हैं, आखिरी वाला कितना है टू से वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, फिर जीरो से थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जीरो, वन से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जीरो, टू से वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू, वन से थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, और थ्री से जीरो में तो कितना आएगा जीरो, वन से वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, माइनस वन से थ्री में तो माइनस थ्री, और प्लस जीरो। देखिए ये हमें वैल्यू कुछ मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो फोर और वन कितना होता है फाइव, फोर टू सिक्स थ्री कितना हो गया नाइन, टू से घट सब्सट्रैक्ट हो गया तो जीरो हो गया, जीरो जीरो ये माइनस वन, वन से थ्री वन माइनस थ्री यानी माइनस टू हो गया, माइनस टू फिर आगे माइनस वन, माइनस वन वन माइनस थ्री माइनस टू फिर माइनस वन, फिर टू टू थ्री कितना हुआ फाइव, और वन से थ्री में माइनस करेंगे तो माइनस टू, तो ये हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू पता हो गई हमको, ठीक है, इसको आप कॉपी करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है ये आप देख लीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, खासकर हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में, और बोर्ड के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फाइव माइनस वन टू नाइन माइनस टू फाइव जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू टू जीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन जीरो, ठीक है, प्लस सिक्स। अब आई की वैल्यू कितनी होती है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस थ्री, तो थ्री क्रॉस थ्री के लिए आई होता है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है, अगर टू क्रॉस टू होता तो ये होता वन जीरो जीरो वन, ठीक है, तो ये आप जान लीजिए ये थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, तो इसलिए ऐसा है, तो इसको हम अभी रखे रहते, हो सकता है कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो इसको हम रख नहीं करते हैं, वो इक्वल नहीं लगा है, आप उसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हुआ फाइव माइनस वन टू नाइन माइनस टू फाइव जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है, फिर माइनस फाइव टू जा कितना हुआ टेन, फिर जीरो फिर फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा कितना हुआ टेन, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन,
और 5 3 18 18, फिर 5 5 5 5 से माइनस 1 में तो माइनस 5, फिर 0 और प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई करो तो 600 060 006, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फाइनल में, तो 5 5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 और 6 कितना होता है 11, 11 से 10 माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, फिर माइनस 1 और 0 माइनस 1 आया, फिर यहाँ पे माइनस 0 तो माइनस 1 आया, करना कुछ नहीं है, फिर 2 उधर 0 है तो 2 ही हुआ, और ये 5 माइनस में तो माइनस 3 आएगा, फिर 9 उधर 0 है तो 9 ही आएगा माइनस, यानी माइनस 1, फिर माइनस 2 उधर 6 है तो माइनस 2 में 6 जब ऐड होगा तो प्लस 4 आएगा, और प्लस 4 में माइनस 5 जाएगा, ये 5 माइनस में हो जाएगा तो माइनस 1, फिर 5 उधर 0 है तो 5 ही आएगा, 15 माइनस में होगा तो कितना आएगा माइनस 10, फिर 0 उधर भी 0 है तो 0, फिर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 1 उधर 0 है ठीक है तो माइनस 1 ही आएगा, तो यहाँ पे ये 5 प्लस में हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 5 यानी कितना हो गया प्लस 4, माइनस 2 उधर 6 है तो प्लस 4 आएगा, प्लस 4 और 0 माइनस होगा तो प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो इसको आप कॉपी करिए फिर हम तब तक आंसर मैच कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आंसर हमारा करेक्ट है, तो हम आगे बढ़े, इसको आप कॉपी करिए पहले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये भी सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है इससे, ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। a की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 102 021 203। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से मैच करते हैं, वरना तुरंत गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता क्वेश्चन। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 102, एक बार मैच करते हैं 102 102 021 021 203। सबसे पहले हमें ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ए क्यूब नहीं निकलेगा, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकलेगा, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है, तो आप ए को दो बार लिखेंगे 102 021 203, और एक और लिखेंगे 102 021 203, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 से 1 में मल्टीप्लाई, देखिए इसमें ऐसे है इसमें ऐसे चलना, तो 1 से 1 में हुआ तो 1 है, 0 से 2 में हुआ तो कितना है, 0 से 0 में हुआ तो 0 है, 2 2 जा कितना हो गया 4, फिर 0 से 1 में हुआ तो कितना आ गया 0, 2 से 0 में हुआ तो कितना आ गया 0, और 1 से 2 में हुआ तो कितना आ गया 2, 1 से 2 में तो 2, 2 1 जा फिर कितना हो गया 2, 0 से 0 में हुआ तो कितना आ गया 0, और 3 2 जा कितना हुआ 6, ठीक है। फिर अब इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 1 से 0 में हुआ तो कितना 0 आया, 0 से 2 में हो तो कितना आया 0, 0 से 2 में तो 0, 2 से 0 में तो कितना आया 0, तीनों 0 हो गए, देखिए इससे पहले 0 आया, फिर इन दोनों में हुआ तो 0 है, फिर इन दोनों में 0, फिर 0 से 0 में होगा तो 0 आएगा, 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा 4, फिर 1 से 0 में तो कितना आएगा 0, फिर 2 से 0 में तो कितना 0, फिर 0 से 2 में तो कितना 0, 3 से 0 में तो कितना आएगा 0, ठीक है,
फिर आगे आखिरी लास्ट वाला आप मल्टीप्लाई कीजिए, वन से टू में तो कितना आएगा टू, जीरो से वन में तो कितना आएगा जीरो, जीरो से वन में जीरो, टू थ्री जा कितना होता है सिक्स, टू थ्री जा सिक्स हो गया, फिर जीरो से टू में होगा तो कितना आएगा जीरो, टू से वन में तो कितना आएगा टू, टू वन जा टू, वन से थ्री में तो कितना आएगा थ्री, वन से थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री आएगा, ठीक, वन से थ्री में थ्री, टू जीरो, टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, ठीक है, टू टू जा कितना होगा फोर, फिर जीरो से वन में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा जीरो, और फिर थ्री से थ्री में होगा तो कितना आएगा नाइन, कितना होगा हमारा फाइनल, फोर वन कितना होगा फाइव, टू सिक्स टू कितना होगा एट, फिर जीरो फोर जीरो एट, थ्री टू कितना होगा फाइव, और नाइन और फोर कितना होता है फाइव, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो आप इसको कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए क्यूब की वैल्यू कितनी होती है यहाँ फाइंड आउट करते हैं। ए क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ए क्यूब मतलब होता है ए स्क्वायर इन टू, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, फाइव टू एट, फाइव टू, फाइव टू एट, जीरो फोर जीरो, जीरो फोर जीरो, जीरो फोर जीरो, एट फाइव थर्टीन, एट फाइव थर्टीन, एट फाइव थर्टीन, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है वन जीरो टू, वन जीरो टू, वन जीरो टू, जीरो टू वन, जीरो टू वन, ठीक है, टू जीरो थ्री, टू जीरो थ्री। अब देखिए ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइव वन जा कितना होता है फाइव, जीरो से जीरो में हो तो जीरो, एट टू जा कितना होता है सिक्सटीन, फिर आगे टू सेवन में तो कितना आएगा टू, फोर से जीरो में तो कितना आएगा जीरो, फाइव टू जा कितना होता है टेन, फाइव टू जा टेन, फिर एट वन जा कितना होता है एट, जीरो से जीरो में तो कितना होगा जीरो, थर्टीन टू जा कितना होता है ट्वेंटी, फिर फाइव से जीरो में तो जीरो, जीरो से टू में तो कितना जीरो, जीरो से टू में तो कितना जीरो, एट से जीरो में तो कितना आ गया जीरो, देखिए फाइव से जीरो में तो जीरो, फिर जीरो से टू में तो जीरो, फिर एट से जीरो में तो जीरो, फिर आगे टू से जीरो में तो कितना आ गया जीरो, फोर टू जा कितना हुआ एट, फोर टू जा एट, फाइव से जीरो में तो कितना आ गया जीरो, फिर एट से जीरो में आ गया तो कितना आ गया जीरो, और जीरो से टू में हुआ तो कितना आ गया जीरो, थर्टीन से जीरो में हो तो कितना आ गया जीरो। हमारे दो रो ये दो कॉलम तक मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब फाइव टू जा कितना होता है टेन, फाइव टू जा टेन, और फिर आगे जीरो से वन में तो कितना आ गया फाइव टू जा टेन, जीरो से वन में तो कितना आ गया जीरो, जीरो से वन एट थ्री, एट थ्री जा कितना होता है ट्वेंटी फोर, टू टू जा कितना होता है फोर, फोर वन जा कितना होता है फोर, फाइव थ्री जा कितना होता है फिफ्टीन, एट टू जा कितना होता है सिक्सटीन, जीरो सेवन में तो कितना हुआ जीरो, जीरो, थर्टीन थ्री जा कितना होता है थर्टी नाइन। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए फिर हमें ए क्यूब की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हुआ आपका ट्वेंटी वन, इसको ऐड करेंगे तो टेन और टू ट्वेल्व हो गया, ये कितना हुआ थर्टी फोर, छब्बीस चार तीस चार चौंतीस, जीरो एट और जीरो, फिर टेन ट्वेंटी फोर एंड टेन कितना होता है थर्टी फोर, थर्टी फोर हो गया, ये ट्वेंटी थ्री हुआ और ये कितना हो गया फिफ्टी फाइव। ये हमारी ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए पूरा क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं आगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, काफी लंबी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a³ - 6a² + 7a + 2 = 0 प्रूव करना, तो वही हम ले लेते हैं लेक्चर। अब a³ की वैल्यू कितनी है, a³ की वैल्यू 21 12 34 080 080 34 23 55 - 6। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू 508 है, 508 24 25 8013 8013 प्लस 7। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बुक से नोट कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 102 021 021 203 और प्लस 2। i की वैल्यू कितनी है, 100। i की वैल्यू, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो 100 010 001, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं हमारा जीरो आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगर जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन सही लगा है, वरना क्वेश्चन सही नहीं लगा। तो देखते हैं आगे, 21 - 6 5 जा कितना होता है, 30 + 7 जा कितना होता है, 7 + 2 जा, ठीक है। फिर आगे 12 - 6 2 = 12, 7 से 0 में हुआ तो 0, 2 से 0 में हुआ कितना आ गया 0। लास्ट वाला देखते हैं 34, ठीक है। फिर आगे 6 8 = 48, 7 2 = 14 और फिर 2 से 0 में मल्टीप्लाई किया तो हमने 0 आया। तो ये मेरा फर्स्ट वाला पूरा हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 0, 6 से 0 में होगा तो 0, प्लस 0 में लिखेंगे -0 + 0 कुछ नहीं होगा, 6 से 0 में होगा 0 आएगा। फिर 7 से 0 में होगा तो 0 आएगा। फिर 2 से 0 में होगा तो, देखो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हमको ऐड करना, जैसे ये एलिमेंट सेकंड है तो ये सेकंड और फिर ये सेकंड, सेकंड रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तब सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेंगे। फिर 8 लिखेंगे, 6 4 जाए कितना होता है 24, 7 2 जाए कितना होता है 14, फिर 2 1 जाए कितना होता है 2, फिर 0 लिखेंगे, 6 से 0 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0, 7 से 0 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0, 2 से 0 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0। लास्ट वाला लिखेंगे 34 है यहाँ पे 34, फिर 6 8 जाए कितना होता है 48, 7 2 जा कितना होता है 14, 7 2 जा 14 और 2 से 0 में तो कितना आ गया 0। फिर यहाँ पे लेंगे, ये लिखा हुआ है सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे पोजीशन 23 6 5 जा 13, 7 1 जा कितना होता है 7 और फिर 2 से 0 में तो 0, तो हाँ 2 से 0 में तो 0 7 1 7। फिर यहाँ पे कितना आएगा 55, फिर कितना हो गया 78, 13 6 = 78 माइनस में, फिर 7 3 जा कितना होता है 21 और 2 1 जा कितना होता है। अब इसको फाइनल सॉल्व करना है हमें, इसको फाइनल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड करना है तो ये और इसको, और फिर सब्सट्रैक्ट कर देना तो 21 7 28 और 30 30 30 सब्सट्रैक्ट कर 0 12 से 12 सब्सट्रैक्ट हो गया 0 हो गया, 34 और 14 इन दोनों को ऐड करना है, 34 और 40 48 से 48 गया तो कितना बचा 0, ये 0 है ही है, कितना हुआ ये
ठीक है, तो 14 to 16, 16 अगर कितना था 24, 24 से 24 माइनस हो गया जीरो, आखिरी वाला जीरो भाई है, ये कितना हुआ 34, 14, 48 से 48 तो कितना हो गया जीरो, 23 और 7, 30 से 30 हो गया तो कितना हो गया जीरो, 55 और 21 कितना हुआ 55 और 56, 76 है, तो आखिरी वाला 78 से 78 जीरो, तो देखिए फाइनल 0, 0, 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जीरो, तो ये आप कॉपी करिए फिर हम आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले 16 तक अभी क्वेश्चन नंबर हमने कितना सॉल्व किया 15, 16, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे यूट्यूब पे तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ चैप्टर 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, तो आपको मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 17 को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या निकालना है वैल्यू। ठीक है, इसमें फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या है गिवन है, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 1, 0, 0, ठीक है, ये I की वैल्यू है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो ए स्क्वायर देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे मैट्रिक्स 2x2 का यूज हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स 2x2 का यूज हुआ, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 का ही यूज हुआ। तो 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 ये हमने लिखा, ए स्क्वायर दो बार ये तो 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 तो कितना होगा, 3 तीजा कितना होता है 9 माइनस 2, 4 जा कितना होता है ये, ठीक है, फिर आगे 4 तीजा कितना होता है 12 माइनस 4 तीजा कितना होता है 3 2 जा माइनस 6 माइनस 2 2 जा 4 फिर 4 2 जा माइनस 8 माइनस 2 1 हो गया 12 से 8 में तो कितना हुआ 4 और माइनस 6 से 4 में तो कितना हुआ -2 -6 से 4 का तो कितना हुआ -6 से 4 का तो कितना हुआ। ये ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होगा, इसको कॉपी करिए फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, फाइंड करनी है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू के ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 और माइनस टू आई की वैल्यू कितनी है 1, 0, 0, 1 2x2 का यूज बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो नीचे 1 माइनस 2, 4 माइनस 4, ठीक है, देखते हैं इसको रख कर दे रहे हैं 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3k -2 1 जा 2 -2 फिर आगे -2k -2k
और ये जीरो हो जाएगा, जीरो, फिर फोर के माइनस टू जीरो, फिर आगे माइनस टू के माइनस टू, ठीक है। अब इसको इक्वल करते हैं, कोई दो इक्वल कर लेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं आता है हमारा आंसर। थ्री के माइनस टू, फर्स्ट पार्ट को इस फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पोर्शन से इक्वल करो, थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू वन, देन थ्री के इज इक्वल टू टू उधर जाएगा तो टू वन थ्री, देन के इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, के इज इक्वल टू हमारा वन आ गया। कोई और ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया टू के प्लस जीरो का, प्लस जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू टू अपॉन टू, यानी के इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।